Hey guys, this is Alok Kashyap. Welcome to Channel Down. और आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 10 मोस्ट इंटरेस्टिंग लव ट्रायंगल कोरियन ड्रामा लेके आया हूँ जो आपको हिंदी डब में मिल जाएगी। और सभी ड्रामा बहुत ज़्यादा एडोरेबल है, तो जाके चेकआउट कर लेना। और अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी ड्रामा चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके चेकआउट कर लेना। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है मियाओ द सीक्रेट बॉय। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग ली है 7.2 की। एक बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसे देखने से ऐसा फील होता है कि आप फैंटेसी कॉमेडी और रोमांस से भरी एक फेरी टेल स्टोरी देख रहे हो। ड्रामा की स्टोरी है 16 नाम की एक लड़की की, जिसकी लाइफ में उसके एक्स बॉयफ्रेंड जेसन की एंट्री दोबारा हो जाती है, जिसने 10 साल पहले एक गलत फहमी की वजह से ब्रेकअप करके वैनिश हो गया था, जिसके लिए 16 के दिल में अभी भी फीलिंग्स है। जेसन 16 को एक कैट रखने के लिए देता है और 16 भी अकेलेपन के चलते उस कैट को रख लेती है। पर एक्चुअली वो कैट एक सुपरनैचुरल कैट रहता है जो 16 और उसके चीजों के पास रहने की वजह से एक इंसान में बदल सकता है, जिसके बाद वो कैट ह्यूमन फॉर्म में बदलकर फेक आइडेंटिटी की मदद से 16 के साथ रहने लगता है, जिसके बाद अकेलेपन और इमोशनल सपोर्ट की वजह से धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और यहीं से शुरू होती है एक बहुत ही एडोरेबल कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल, क्योंकि जेसन भी अंदर से 16 को बहुत पसंद करता है पर एक पर्सनल इशू की वजह से कन्फेस नहीं करता। तो अब क्या होगा जब 16 को उस कैट की रियलिटी के बारे में पता चलेगा, और इस अनयूजुअल से लव ट्रायंगल में किसका बॉन्ड कंप्लीट होगा, ये जानने के लिए देखिए MX प्लेयर पर अवेलेबल इस हार्ट टचिंग रोमांटिक ड्रामा को। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है वन ऑफ द मोस्ट एपिक लव ट्रायंगल, जिसका नाम है द हायर्स। ड्रामा को IMDb रेटिंग ली है 7.4 की। ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक बहुत रिच और हैंडसम लड़के किम टैंग की, जो एक गरीब लड़की चाय यूंग सॉन्ग के प्यार में पड़ जाता है, जिसकी माँ किम टैंग के घर में एक नौकरानी रहती है। और अब इस स्टेटस गैप की वजह से इनके प्यार में कितनी कॉम्प्लिकेशन आती है यही ड्रामा में दिखाया गया है। ये तो है इस ड्रामा का बेसिक सिनॉप्सिस। पर एक्चुअली में इस ड्रामा को जो अनफॉरगेटेबल बनाती है वो है चाय यूंग सॉन्ग, किम टैंग और चो यून दो के बीच का इंटरेस्टिंग लव ट्रायंगल, जो आगे बढ़ते बढ़ते बहुत ही इंटेंस और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। और लव केयर और जेलसी से भरी ये कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल ही ऑडियंस को थ्रू आउट द ड्रामा एंगेज रखती है, और इसलिए MX प्लेयर पे अवेलेबल ये ड्रामा वन ऑफ द बेस्ट लव ट्रायंगल कोरियन ड्रामा है। अगर एग्री करते हो तो कमेंट में जरूर बताना। वो जानता है मैं अमीर नहीं हूँ, सब जानता है। हाँ तो क्या हो गया ना? उसे सब कुछ पता है। मैंने कहा ना मत उठाओ। हेलो मेरे दिमाग में कोई खराबी है, कह नहीं सकती कि मैं कब और कहाँ अपनी आंखें खोलूंगी। ये है कॉमिक्स की दुनिया। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग ली है 7.8 की। ड्रामा की स्टोरी है डेनो की, जिसे एक दिन अपने स्कूल कैफेटेरिया सबसे पता चलता है कि जिस स्कूल में वो पढ़ रही है वो एक कॉमिक वर्ल्ड है, और डेनो और स्कूल के सभी स्टूडेंट्स इस कॉमिक बुक के कैरेक्टर्स हैं। और क्योंकि ये बात सिर्फ डेनो को पता रहती है, इसलिए उसे लगने लगता है कि वो और उसका क्लासमेट नानजू इस कॉमिक बुक के लीड कैरेक्टर्स हैं। और धीरे धीरे उसे रियलाइज होने लगता है कि एक्चुअली में उसकी क्लासमेट जोदा, जो एक पूर मासूम लड़की है, वो और नानजू इस कॉमिक बुक के लीड कपल है, और डेनो सिर्फ एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है जो सिर्फ इन दोनों की केमिस्ट्री को और भी स्ट्रॉन्ग करेगी और इन दोनों को एक दूसरे के लिए लव फीलिंग डेवलप करने में मदद करेगी। पर डेनो एक्स्ट्रा बनकर नहीं रहना चाहती, और इसलिए वो स्टोरी को बहुत बार बदलने की कोशिश करती है, और इसमें उसकी मदद करता है कॉमिक बुक का एक और एक्स्ट्रा मिस्टीरियस कैरेक्टर हारू, जिससे डेनो को प्यार हो जाता है। पर कॉमिक के अकॉर्डिंग डेनो को उसके एरोगेंट फियोंसे वैक्यूम से प्यार रहता है, पर एक्चुअली में वो उससे प्यार नहीं करती, पर फिर भी कॉमिक की वजह से उसे वैक्यूम के साथ रिलेशनशिप में रहना पड़ता है। और इस ड्रामा में आगे क्या होता है और क्या डेनो खुद को लीड कैरेक्टर में बदल पाती है नहीं, ये जानने के लिए देखिए इस ब्यूटीफुल ड्रामा को, जिसमें आपको एक साथ दो दो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा, जो इस ड्रामा को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। और ये है हां जी सु, मेरा पहला प्यार, और ये यहां पर मैं हूं 10 साल पहले वाला। ये 2007 की कहानी है और फिलहाल 2017 शुरू हो गया। हमारी 7 नंबर पर ड्रामा है मेल्टिंग हार्ट। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग ली है 7.5 की। ये क्यूट रोमांटिक ड्रामा है जिसकी स्टोरी बाकी ऑर्डिनरी ड्रामा से डिफरेंट है। इस ड्रामा का प्लॉट फॉलो करता है सिनू को, जो अभी तक अपने पहले प्यार को भूल नहीं पाया है, और उसे इस बात का पछतावा है कि जब उसके पास समय था तो उसने उस लड़की से अपने प्यार को कन्फेस नहीं किया। पर हाउएवर उसे अपने प्यार को पाने का मौका एक और बार फिर मिलता है जब वो समय में 10 साल पीछे चला जाता है, जिसके बाद वो फिर से एक बार अपने क्रश को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है, और इसके साथ साथ यंग सिंगू भी अपने क्रश को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है। और यहीं से डेवलप होती है थोड़ी सी अनयूजुअल और बहुत ही इंटरेस्टिंग लव ट्रायंगल। MX प्लेयर पर अवेलेबल ये एक एपिक रोमांटिक ड्रामा है जो अपने यूनिक कॉन्सेप्ट से आपको हमेशा एंटरटेन करेगी और आपके सॉफ्ट फीलिंग को इवोक रखेगी। मेरी मदद चाहिए? तब मुझे समझ आया कि कैसे प्यार कुछ पलों में ही हो जाता है।
हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है ब्रेड लव एंड ड्रीम। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग ली है 8.1 की। इस ड्रामा की स्टोरी दिखाई गई है किमतक की। इसे अपने लाइफ में कभी भी फैमिली का प्यार नहीं मिलता, ना तो ढंग की जिंदगी, यहाँ तक कि उसे अपने बचपन के प्यार से भी धोखा मिलता है, पर फिर भी वो अपने सपने को पाने के लिए पूरे जुनून से लगा रहता है। ड्रामा की स्टोरी शुरू होती है कोरिया के नंबर 1 बेकिंग कंपनी के प्रेसिडेंट कोइजुंग से, जो अपनी शादी होने के बावजूद भी वो अपने लाइफ के सच्चे प्यार से अफेयर रखता है, जिसे उनसे एक बेटा किमतक मिलता है। पर क्योंकि कोइजुंग की खुद की वाइफ का कोई बेटा नहीं रहता, तो इसी वजह से उसके वाइफ को हमेशा यही डर रहता है कि कहीं कोइजुंग अपने नाजायद बेटे को कंपनी का हायर न बना दे, और इसलिए वो हमेशा किमतक को मारने का प्लान बनाती है और उसकी लाइफ को पूरी तरीके से हेल बना देती है। और इसलिए किमतक सबसे अलग होकर कोरिया का नंबर 1 बेकर बनने का फैसला करता है, जिससे उसकी लाइफ को कोई कंट्रोल ना कर सके। और अब किमतक अपने इस ड्रीम को कैसे अचीव करता है और उसके इस जर्नी में उसका कौन कौन साथ देता है, ये जानने के लिए आपको इस हार्ड वार्मिंग ग्रेट रोमांटिक ड्रामा को देखना होगा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाजवाब है। और इसी ड्रामा में एक्साइटिंग इंटेंस लव स्टोरी दिखाई गई है, जो आपके दिल में उतर जाएगी, और इसी ब्यूटीफुल लव स्टोरी की वजह से ये एक बहुत ही एडोरेबल रोमांटिक ड्रामा बन जाती है, जिसे आप G5 पर देख सकते हो। चार शहजादे जो स्कूल को अपनी जागीर समझते थे, नाम F4, लेकिन एक हीरोइन आएगी स्टेटस में छोटी, डेयरिंग में बड़ी, जो इन F4 बॉयज को हीरो बनाएगी। हमारी 5 नंबर पे ड्रामा है बॉयज ओवर फ्लावर। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 7.9 की। इस ड्रामा को प्लॉट फॉलो करता है क्यूट पुअर लड़की जानदी को, जिसके साथ एक इंसिडेंट होता है, जिसकी वजह से उसे शहर के सबसे नामी और बड़े हाई स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। यहाँ सभी स्टूडेंट रईस और रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उसी स्कूल के सबसे पावरफुल हैंडसम और चार्मिंग बॉयज हैं F4 बॉयज, जो आए दिन अपने मजे के लिए दूसरे स्टूडेंट को बुली करते हैं, पर जानदी उन्हें ऐसा करने से रोकती है, जिसकी वजह से F4 ग्रुप के लीडर जून पियो बहुत ही ज्यादा एंग्री हो जाता है, और इसी वजह से वो बार बार जानदी को बुली करता है। पर जानदी हार मानने की जगह जून पियो के अगेंस्ट बैटल डिक्लेयर कर देती है, और उसके बाद शुरू होती है इन दोनों की एक जर्नी, जो शुरू तो नफरत और एटीट्यूड गेम से होती है, पर खत्म होती है प्यार पे। वैसे तो ये एक सिर्फ नॉर्मल सी रोमांटिक ड्रामा है, पर वो तीन बातें जो इस ड्रामा को आपको पूरा देखने के लिए एक्साइटेड करती है, वो है पहला लीड एक्टर्स की क्यूट बेवकूफियां, जिसे देखकर आप मुस्कुराने पे मजबूर हो जाओगे। दूसरा तीनों लीड एक्टर्स के बीच का इंटेंस लव ट्रायंगल, जो हर फेस पे नया एंगल ले लेती है। और तीसरा इन तीनों की स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, जो आपको रोमांटिक वाइब फील कराने पे कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और इन्हीं सब वजह से ये एक हाईली रिकमेंड कोरियन ड्रामा है, जिसे आप G5 पर देख सकते हो। कितना सुंदर है। सही कहा, बहुत सुंदर है। क्या? हमारी 4 नंबर पे ड्रामा है स्टार्टअप। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग ली है 8.1 की। इस ड्रामा की स्टोरी है दो बहन सोडालमी और वॉन इंजे की, जो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है, और सोडालमी अपने पापा के साथ रहने लगती है और वॉन इंजे अपने माँ के साथ, जो एक अमीर बिजनेसमैन के साथ शादी करके USA में सेटल हो जाते हैं। और क्योंकि सोडालमी बहुत अकेली पड़ जाती है, इसलिए उसकी दादी एक अनाथ लड़के हांग जे प्योंग, जो उनके साथ रहता है, उससे सोडालमी के लिए फ्रेंडशिप के लेटर लिखवाती थी, पर एक अननोन आइडेंटिटी नाम डुसान से, और इन्हीं लेटर्स की वजह से सोडालमी को नाम डुसान से प्यार हो जाता है, पर नाम डुसान का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। और 15 साल के बाद वॉन इंजे अपने डैड के पैसे की मदद से एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बनकर कोरिया वापस आती है, तो सोडालमी खुद को उसके लेवल का दिखाने के लिए वो ये बोल देती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड नाम डुसान की कंपनी सैमसंग टेक की CEO है, और वो उससे नाम डुसान को मिलवाने का प्रॉमिस भी कर देती है, पर असलियत में वो एक गरीब सेल्स गर्ल रहती है और वो खुद भी नाम डुसान से कभी नहीं मिली होती। तो अब आगे क्या करती है सोडालमी, ये तो आपको ड्रामा देखकर जानना होगा। इस ड्रामा में आपको ओरिजिनल नाम डुसान और हांग जे प्योंग और सोडालमी के बीच बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा। वैसे इस ड्रामा में इतनी सारी क्वालिटीज है कि क्या ही कहूं, पर एक्चुअली में इस ड्रामा का ये लव ट्रायंगल ही ऑडियंस को ड्रामा में एक्साइटेड करती है और डिसअपॉइंट करती है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जब आप इस नेटफ्लिक्स की आउटस्टैंडिंग इंस्पायरिंग रोमांटिक ड्रामा को देखोगे तो खुद समझ जाओगे। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। रॉबिन, मैंने ठीक से सुना नहीं, क्या तुम फिर से कहोगे? बस एक बार, सिर्फ एक बार प्लीज कहो ना। जीना, मैं तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। जीना, अब तुम कहो। हमारी 3 नंबर पे ड्रामा है स्वीट ड्रेवन 2। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 7.3 की। इस ड्रामा की स्टोरी है एक हाई स्कूल स्टूडेंट जीना की, जो आए दिन अपने क्लासमेट और सीनियर द्वारा रैग और बुली की जाती है, और इसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान और सैड रहने लगती है। और उसके इसी बिहेवियर को देखकर उसके पड़ोस में आए दो हैंडसम ब्रदर्स, जो उसके क्लासमेट भी होते हैं, और वो दोनों उसकी केयर करने लगते हैं, और धीरे धीरे उन भाइयों के दिल में भी जीना के लिए प्यार डेवलप होने लगता है, और इन तीनों के बीच लव ट्रायंगल वाला सीन क्रिएट हो जाता है। और फिर एक दिन जीना को एक मैसेज आता है जिसमें रिवेंज नोट ऐप होता है, जिसमें आप उस इंसान का नाम लिखते हो जिसे आपको रिवेंज लेना है, तो उस इंसान से आपका बदला पूरा हो जाता है। और अब जीना इस ऐप का कैसे इस्तेमाल करती है, यही आपको इस ड्रामा में देखना होगा। तो फिर अगर आप हाई स्कूल कोरियन ड्रामा के फैन हो तो ये ड्रामा आपके लिए प्रॉपर एंटरटेनिंग होगी, क्योंकि इसमें आपको कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल, हाई स्कूल फाइट्स और क्यूट लव स्टोरी देखने को मिलेगा। और आप इस पूरे ड्रामा को यूट्यूब पे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूं। जीना और रॉबिन डेट कर रहे हैं। अब हम क्या करें, लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया।
हमारी सेकंड नंबर पे ड्रामा है टू ऑल द गाइस हु लव्ड मी। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 6.4 की। ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सीओ युनजू की, जो एक वेबट्यून प्लानिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर है। युनजू ने अपने करियर में तो बहुत सक्सेस पाई है, पर प्यार के मामले में उसे हमेशा दर्द और धोखा ही मिला, और इसलिए वो फैसला कर लेती है कि वो हमेशा सिंगल ही रहेगी। पर तभी उसके लाइफ में दो चार्मिंग लड़कों की एंट्री होती है, जिसमें से पहला है वांग जीव, जो एक बड़ी कंपनी का सीओ है और वो ऑलमोस्ट परफेक्ट है, और इसीलिए लड़कियां उसकी दीवानी है, पर वो सिर्फ युनजू का दीवाना है। और दूसरा पार्क डू है, जो एक वेबट्यून राइटर है और युनजू का चाइल्डहुड फ्रेंड भी है। पार्क डू युनजू से हमेशा वन साइडेड लव करता था, पर उससे कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाया। और अब आपको इस ड्रामा में ही देखना होगा कि इन दोनों में से युनजू का दिल कौन जीतता है। मैं इस ड्रामा के बारे में सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि ये एक परफेक्ट ड्रामा तो नहीं है, पर हाँ, इस ड्रामा में आपको क्यूट कॉमेडी, कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल और बहुत सारी रोमांस देखने को मिलेगा। ये ड्रामा बेस्ट तो नहीं है, पर फिर भी अगर आप एक लाइट मूडेड रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा देखना चाहते हो तो आप इस ड्रामा को एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी फर्स्ट नंबर पर ड्रामा है किंग्स लव। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग ली है 7.9 की। एक बहुत ही अच्छी हार्ट टचिंग ड्रामा है, जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा इंटेंस लव ट्रायंगल दिखाया गया है, जिसकी वजह से ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग बन जाती है। ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है क्राउन प्रिंस वेंग वांग और उसके चाइल्डहुड फ्रेंड वांग रिन की, जिनके लाइफ में एंट्री होती है राज्य के सबसे अमीर आदमी की बेटी और बहुत ही खूबसूरत लड़की योंग सेंग की, जिसके लिए इन दोनों के दिल में लव फीलिंग डेवलप होने लगती है। जिसके बाद इस लव ट्रायंगल केमिस्ट्री की वजह से इस ड्रामा में क्या क्या इंटरेस्टिंग होता है और कैसे कैसे ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, और ड्रामा के लास्ट में किस दो लवर्स का ये रोमांटिक बॉन्ड कंप्लीट होगा, ये जानने के लिए आपको इस एडोरेबल रोमांटिक ड्रामा को देखना होगा, जिसकी रोमांटिक स्टोरी आपके दिल को छू जाएगी। आई होप आपको ये डिटेल होगी कि अच्छे से लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो, और वीडियो पे हमें यार तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और प्लीज बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 इंग्लिश डब्ड कोरियन ड्रामा देखना है और टॉप 10 नेटफ्लिक्स की बेस्ट कोरियन ड्रामा देखना है, तो मेरी एंड स्क्रीन पे दो वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।